सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि को जन्म दिया, उसके बाद अपने माता पिता जिन्होंने मुझे जीवन दिया, और फिर अपने सभी गुरु जिन्होंने मुझे ये बताया कि इस जीवन को बड़ा कैसे किया जाए। इन सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपको मेरा कौन सा गुड मॉर्निंग अच्छा लगा, पहले वाला या बाल वाला? बाल। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने बाल वाले गुड मॉर्निंग में अपना 100% दिया। दोस्तों, सारी बात सिर्फ 100% की आती है। मेरे महागुरु श्री पंकज मिश्रा जी कहते हैं कि अमरदीप, अगर अपनी लाइफ में आप कभी भी किसी को अपना 100% देंगे तो आपके पूरे जीवन काल में वो घूमकर 100% आपको जरूर मिलेगा। और ये बात सच है दोस्तों, जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपने एग्जाम में जो भी लिखें उसका 100% मार्क्स हमें मिले, राइट? और जब हम थोड़ा सा मैच्योर होते हैं और इस दुनिया के भाग दौड़ पर पैसे कमाने की भाग दौड़ शुरू करते हैं तो चाहते हैं कि हमारी मेहनत का मेहनताना हमें 100% मिले, सही है दोस्तों? तो आप भी 100% चाहते हैं? Yes. और यह भी साबित हुआ है दोस्तों कि सृष्टि में जो भी जन्म लेता है, जो जीवित है, वो अपना 100% देता है दोस्तों। जैसे कि मैं वृक्ष की बात कर अपने मैक्सिमम लिमिट तक नीचे लेके जाता है दोस्तों, जमीन पर फैलाता है, उसकी ब्रांचेस, उसकी लताओं की बात करूं तो वो भी मैक्सिमम लिमिट तक जहां तक वो पहुंचा सकता है अपनी ब्रांचों को पहुंचाता है। उसी तरीके से वो जितना ऊंचा उठ सकता है दोस्तों वो उतना ऊंचा उठता है, उठता है कि नहीं? तो क्या हम भी अपनी लाइफ में 100% देते हैं दोस्तों? आज हम और आप उसी 100% तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्या आप तैयार हैं? Yes. तैयार है दोस्तों? Yes. बिल्कुल ठीक। Yes. तो एक बार कोशिश करते हैं दोबारा से, कंपटीशन का जमाना है तो कंपटीशन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड से बोलेंगे, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। अब आप बहुत तेज आइए, राइट वाले ध्यान से आ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। बराबर की टक्कर है दोस्तों। मेरा नाम अमरदीप कहोशिया है, बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियरिंग फील्ड से हूं, आफ्टर एमबीए इन मार्केटिंग मैं एक एमएनसी कंपनी में एज असिस्टेंट मैनेजर जॉब करता हूं दोस्तों। मैंने यही सिस्टम आप ही लोगों की तरह इन्हीं सीट पर बैठ कर देखा है कुछ टाइम पहले। आपके और मेरे देखने में सिर्फ वो एक टाइम का ड्यूरेशन का फर्क है दोस्तों, कुछ टाइम पहले। और मेरे गुरुओं ने, जिन्होंने मुझ जैसे एक मामूली से पत्थर को निखार कर संभाल कर एक चमचमाते हीरे की तरह आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया दोस्तों। कहते हैं कि हम सबकी डोर उस ऊपर नीली छतरी वाले के हाथ में होती है, ये सही बात है? Yes, sir. इसका मतलब उसकी मर्जी के बिना पूरी कायनात में एक छोटा सा पत्थर तक नहीं हिलता, उस पर एक एक मिनट का हमारा हिसाब किताब उस ऊपर वाले के हाथ में होता है, मैं सही कह रहा हूं सर? Yes, sir. इसका मतलब आज हम और आप जो इस ऑडिटोरियम में रूबरू बैठे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले की मर्जी शामिल है, सही बात है? Yes. तो हम उस ऊपर वाले का शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? इतनी दोस्तों आज पहली बार यहां पर कौन कौन मेरे दोस्त मेरे भाई आए हैं, थोड़ा सा हाथ पकड़ के बताइए प्लीज दोस्तों। इन भारतीय संस्कृति के हिसाब से मेहमान किसके समान होते हैं? भगवान के समान। बिल्कुल ठीक, भगवान के समान होते हैं। और भगवान का आदर सत्कार और स्वागत कैसे किया जाता है? दोस्तों
किरदार था रणछोड़ दास सांचड़। अमित कुमार ने रोल प्ले किया था मूवी में और बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे जो कि आगे जाके कुसुम बाबू जी बनते हैं, राइट। वो बहुत ही ग्रेट थे दोस्त, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे और वो एक आईसी इंजीनियर थे, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। और दोस्तों ये बात बड़ी फख्र के साथ बताता हूं कि मैं भी एक आईसी इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियर हूं, आईसी इंजीनियर हूं। लेकिन दोस्तों मैं उनकी तरह जीनियस नहीं, मैं उनकी तरह टैलेंटेड भी नहीं। लेकिन जिस दिन से ये प्लेटफॉर्म मेरे साथ जुड़ा है दोस्तों, मुझे ऐसा फील होता है कि आई ऑल्सो गॉट दैट अपॉर्चुनिटी और दैट फॉर्मूला टू मेक माइसेल्फ एज ए जीनियस। और अपने आप को जिस तरीके से हमने बात की कि एक वृक्ष मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचाने की कोशिश करता है, मैं भी अपने आप को मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों क्या आप भी बढ़िया हैं? आप चाहते हैं दोस्तों कि आप भी अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचे? आपकी मेहनत का मेहनताना आपको 100% मिले? आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर और अच्छा हो जाए? आप चाहते हैं कि अपने बड़ों की और अच्छी परवरिश कर पाए, उनको फैसिलिटी दे पाए, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों? आप एकदम सही रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ अच्छा काम करने के लिए कुछ छोटे छोटे नियमों का पालन करना पड़ता है जो कि यहां दिखते कर रहे हैं। स्विच ऑफ योर मोबाइल, इट इज जस्ट नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट इंपॉसिबल वर्ड, एम आई राइट? लेकिन थोड़ा सा आसान कर देता हूं मैं इसको। आप एटलीस्ट इसको स्विच ऑफ नहीं करके वाइब्रेशन पे डाल सकते हैं, सो दैट जो भी आपके साथ बैठे हैं वो डिस्टर्ब ना हो और वो आज एक इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेते थे चूक जाए। क्या आप चाहते हैं दोस्तों? तो प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करें। प्रेजेंटेशन टाइम इज 1 आवर, 1 घंटे का टाइम है दोस्तों। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाला 1 घंटा आपकी दिशा और दशा दोनों को बदल के रख देगा दोस्तों। डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं है कि हम आपके सवाल का जवाब देना नहीं चाहते या नहीं दे सकते। हमारी कुछ स्लाइडें इसी तरीके से डिजाइन है कि आपके जो भी ध्यान में सवाल आएगा वो अगली स्लाइड में अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, डू नॉट लीव योर सीट। दोस्तों जब से मैंने वो संभाला है मैंने देखा है सारा किस्सा तो सीट का ही होता है। आप उठेंगे तो कोई और वहां तैयार खड़ा है उस सीट को ऑक्यूपाई करने की, उसकी नजर पहले से आपकी सीट पे है दोस्तों। तो आप किसी और को मौका ना दें क्योंकि मौका जिंदगी में एक बार मिलता है। और आज आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको यहां पर अरुणोदय में आने का मौका मिला। एक बार अपने लिए भी ताली जोर से बजा सकते हैं। दोस्तों आज आपके साथ वाकई बहुत अच्छा होने वाला है। और कहते हैं जब किसी की शुरुआत एक अच्छे से होती है तो उसका परिणाम भी बहुत अच्छा होता है। मैं सही कह रहा हूं? yes. बिल्कुल सही कह रहा हूं दोस्तों। yes. दोस्तों ये जो फॉर्मूले वाली बात भी हमने की वो फॉर्मूला मेरे लाइफ में मेरे गुरु ने किया है। और जब भी बात गुरु की होती है तो किसी भी शिष्य के शब्दों में अपने गुरु के लिए सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। और मुझे सिर्फ तुलसी जाति की सिर्फ 2 पंक्तियां याद आती हैं, अगर आप जाकर देता हूं। yes, yes, कहते हैं दोस्तों कि तन विष की पोटली, तन विष की पोटली अमृत गुरु है खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु की कोई कीमत नहीं होती दोस्तों, गुरु बिल्कुल अनमोल होते हैं। और आज बात आपके सपनों की करूंगा। अभी अभी मैंने बात की थी आपसे कि आप अपना मोबाइल वाइब्रेशन पर डाल दें, वो मैंने इसलिए कहा था दोस्तों क्योंकि आज मैं कोई और चीज जो ऑलरेडी वाइब्रेशन पे चल रही है उसको रिंगटोन पे डालना चाहता हूं। और वो है आपके सपने, जो किसी ना किसी मजबूरी के तहत किसी ना किसी जिम्मेदारी की वजह से आपके सीने में दफन हो चुके हैं दोस्तों। जो बसते तो जरूर है लेकिन उसकी आवाज कोई दूसरा नहीं सुन पाता, वो सिर्फ आपके जहन में सिर्फ आपको सुनाई देते हैं।
इतिहास साक्षी है दोस्तों, जब कोई सपना चिल्लाता है तो उसको हकीकत का एक पोशाक जरूर मिलता है। तो क्या आज अपने सपनों को चिल्लाना देना चाहते हैं दोस्तों? चिल्लाने देना चाहते हैं दोस्तों? तो सर मैं आपके सपनों को हकीकत की शक्ल देने के लिए अपने गुरु को बुलाने वाला हूं। क्या आप मिलना चाहते हैं मेरे गुरु से? मिलना चाहते हैं? ऐसे नहीं आएंगे दोस्तों, एक बार जानदार शानदार जमुना और जिंदाबाद सबके सवाल करिए। मैंने तो यह जाना है कि अपने दोस्तों को अपने सीनियर से मिलाना पड़ता है।